लगातार हमारी सरकार बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार देने का काम पहली बार हरियाणा के अंदर, हरियाणा के युवाओं में, हरियाणा के युवाओं के माता पिता में एक बड़ा विश्वास जगाने का काम हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर किया। और लगातार हम युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देने का काम हमारी सरकार कर रही। हमने इलेक्शन के दौरान में जब कोड ऑफ कंडक्ट लगा, मैंने उससे पहले जब मेरे को जिम्मेवारी मिली थी तो मैंने 50,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर देने की बात कही थी और उसमें से लगभग 15,000 युवाओं को हमने ज्वाइनिंग लेटर दिया। 25,000 के अभी रिजल्ट्स तैयार हैं और उस रिजल्ट्स के अंदर जब हम उस उन युवाओं का रिजल्ट निकालने के लिए तैयार हुए तो विपक्ष कोर्ट में गया। विपक्ष चीफ इलेक्शन कमीशन के पास जाकर के उन्होंने एप्लीकेशन दिया कि अभी इलेक्शन के दौरान में ये रिजल्ट नहीं निकाल सकते, तो इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर संज्ञान लेते हुए एक लेटर जारी किया कि जब तक आचार संहिता लगी हुई है तब तक वो ये रिजल्ट नहीं निकालेंगे। और मैंने फिर तब घोषणा एक की थी, मैंने कहा था कि हम 25,000 युवाओं को पहले उनका ज्वाइनिंग लेटर देंगे, उनका रिजल्ट निकालेंगे और बाद में मैं शपथ लूंगा। और शीघ्र ही आज निकल जाए, कल निकल जाए, युवाओं का 25,000 युवाओं का वो रिजल्ट जारी हो जाएगा और उसके बाद हम शपथ की डेट आएगी तो तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता होगा वो शपथ लेगा। हमने उस बात को पूरा किया है और क्योंकि हमारी जो सरकार है